Thank you.
जी आने वाला क्या है? संजीव जी आप ही चांद रही चाहे चांद रही Oh,
Thank you.
Thank you.
Yes, you are.
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अनर्पितं चरिं चिरात् कारुण्यवतीन् कलौ समर्पितम् उन्नतजरसां सभक्तिश्रियम्। हरिपुरसुन्दरदुतिकदं वसन्दीपिता सदा हृदये कन्द्रेषु स्फुरित वै सचिनन्दना। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततोर्जयमुदीरये। यं प्रवजन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्वैपानविरह कातुराजुवाः। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि। अहो भाग्यं नन्दगोव्रजाकुशं यन्मित्रपरमानन्दं पूर्णब्रह्म सनातनम्। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्षे क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। विश्वसर्गविसर्गादीनां लक्षलक्षितं कृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम्, एक अनेक प्रकार के विचार श्रवण करने के पश्चात एक अंत में वैष्णव जगत समृद्धि, इस पर विचार प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि समाजगत अनुशीलन के अंतर्गत हम लोग सतगोष्ठी महोत्सव, फिर वैष्णव जगत समृद्धि, इसका अर्थ क्या, अब इसको श्रवण करेंगे। जिन लोगों की कृष्ण भक्ति जितनी ही अधिक निर्मल और प्रगाढ़ है और दूसरों में शक्ति संचार करने में जितना अधिक समर्थ है, वह उतने ही अधिक प्रकृत वैष्णव है। उतने जिन लोगों की कृष्ण भक्ति जितनी ही अधिक निर्मल और प्रगाढ़ है, दोनों वस्तुएं, वह निर्मल भी हो, शुद्ध स्वच्छ हो और गाढ़ी भी हो, मतलब स्थिर हो, और दूसरों में शक्ति संचार करने में जितना अधिक समर्थ है, वह उतना ही अधिक प्राकृत वैष्णव है। हृदय में थोड़ी सी विमल कृष्ण भक्ति उदय होने पर प्रकृत वैष्णवत्व प्राप्त होता है। ये भक्ति जो स्वतंत्र है, किसी के हृदय में भी आकर विराजमान हो सकती है,
बोलते थोड़ी सी भी विमल कृष्ण भक्ति उदय होने पर वैष्णवत्व प्राप्त होता है, थोड़ी सी भी, किंचित मात्र भी। परंतु जो शुद्ध भक्त हैं उनके हृदय में तो कैसी, बोलते पूर्ण रूप में भक्ति महारानी उनके हृदय में आरूढ़ हो जाती है। जिस कारण से रिद्धियां सिद्धियां मुक्तियां सब उसके पीछे पीछे चलती है। क्या बताया श्लोक? नहीं, भक्ति तो स्थिरता भगवान यदि स्याद देवे न फलती दिव्य किशोर मूर्ति, मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि। जो मुक्ति है वह स्वयं अंजलि धारण करके हाथ जोड़कर भक्त के पीछे पीछे चलती है। क्यों? क्योंकि मुक्ति भी विचार करती है मेरी मुक्ति कैसे होगी, है ना। सुबह प्रभु जी बुलाते थे, क्या है वो क्या मतलब, क्या मतलब जोर से बोलो। मुक्ति की भी मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि। किसके माध्यम से होगी? वो तो शुद्ध भक्त के माध्यम से होगी। इसलिए वह मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि हाथ जोड़कर भक्त के पीछे पीछे चलती है कि आप मुझको स्वीकार कर लो। लेकिन श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, भक्त कहता है मुक्ति दूरे तिष्ठान, दूर खड़ी रहो, मेरे निकट भी नहीं आना। क्यों? वो तो आपकी गंध मात्र से ही मुझको कृष्ण विस्मृति होती है, भोग की इच्छा होती है गंध मात्र से ही। इसलिए दूर है तिष्ठान, इसलिए बोला परित्याग करना, त्याग में नहीं परित्याग करना। तो वह मुक्ति जिसको प्राप्त करने के लिए ज्ञानी कितने साधन करते हैं, वह मुक्ति भी शुद्ध भक्त के माध्यम से ही उसका उद्धार होता है, क्योंकि उनके हृदय में विमल कृष्ण प्रेम थोड़ा सा नहीं गाढ़ा प्रगाढ़ रूप में उनके हृदय में प्राप्त होता है। वही शुद्ध भक्त तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानी, तीर्थों को भी पवित्र करने वाला वह शुद्ध भक्त भगवान जिसके वशीभूत हो जाए। मई निर्बंध हृदया साधु समदर्शिना वश्य कुर्वन्ति मद भक्तया सत्पत्नी सत्पत्नी सत्पति यथा अहम भक्त पराधीना है अस्वतंत्र द्विज। भगवान जिसके अधीन है तीर्थों को पवित्र करने वाले तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानी और मुक्ति की भी मुक्ति कराने वाले ये है शुद्ध भक्त। तो बताओ किस कारण से बोते वे भक्ति महारानी वे शुद्ध भक्त के हृदय में पूर्ण रूप से विराजमान होती है और उन्हीं भक्त के हृदय से हमारे हृदय में भक्ति का उद्गम स्थान क्या है? बोलते हैं भक्त का हृदय ही है, भगवान तो देंगे नहीं। ये तो प्रमाणिक हो गया। कहाँ प्रमाणिक हुआ? माधुर्य कदम्बनी में विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी ने प्रमाणिक कर दिया कि भगवान भक्ति देंगे। बोलते नहीं, कौन देगा? भक्त देगा। कौन सा भक्त देगा? कनिष्ठ अधिकारी दे पाएगा? वो तो स्वयं अभी उलझ रहा है। उत्तम अधिकारी देगा? बोलते वो तो देखते ही बोलेगा मुझ पर कृपा करो, आप सब लोग भजन करते हो बस मैं ही नहीं कर पा रहा, मुझ पर कृपा करो। गुरु महाराज जी को देखा,
गुरु महाराज जी ऐसे ही बोलते हैं। हम लोग गुरु महाराज के शिष्य, उनको साष्टांग प्रणाम करते, गुरु महाराज हाथ जोड़कर ऐसे प्रणाम करते, और जो भी उनके कक्ष में आता गुरु महाराज यही बोलते, आप सब मुझ पर कृपा करो, मैं हरि नाम कर पाऊं। अपने अनुगत जनों को बोलते, बताओ। तो इसलिए फिर कौन सा भक्त देगा, बोलते हैं मध्यम अधिकारी, क्योंकि वो चार प्रकार के भाव को धारण रखता है, करता है, प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। कृपा तो उसी से प्राप्त होगी। तो उनके हृदय में जो भक्ति, वह अपने संग से उस भक्ति को हमारे हृदय में संचारित करेंगे। भगवान भक्ति नहीं देते, परंतु क्या भगवान बिल्कुल हमको तिरस्कार कर देते हैं? भगवान भक्ति नहीं देते का अर्थ क्या, अवहेलना कर देते हैं? तो फिर भक्तियों, ठाकुर जी क्यों इतने भजन गा रहे हैं, गोपीनाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हम ही के दोष है दोषी, क्यों लोचनदास ठाकुर जी फिर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि भगवान व्यवस्था बनाएंगे, उनका विधान कैसा, वो तो मंगलमय व्यवस्था भगवान करेंगे, और फिर एक साधु गुरु को के साथ हमारा संपर्क कराएंगे। भक्ति तो वहीं से मिलेगी, लेकिन मैं व्यवस्था करवा सकता हूं। एक बड़ा सूक्ष्म एक पॉइंट है, भगवान भक्ति नहीं देंगे, देंगे अपने भक्त के माध्यम से। अब भगवान यदि भक्ति देंगे तो पक्षपात का दोष लगेगा, लगेगा ना, उसको दी हमको क्यों नहीं दी। तो यही बात विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी कह रहे हैं, भगवान एक सुयोग देखते हैं, कोई एक बहाना मिल जाए, ये समझना इस बात को, कोई एक बहाना मिल जाए। भगवान कहते हैं मेरी इच्छा भी है इसको भक्ति देने की, प्रेरणा कर देने की, परंतु कोई बहाना तो मिले, क्योंकि फिर कोई मेरे को दोष आरोपण नहीं करेगा, और मुझको कोई दोष आरोपण करेगा तो मैंने जो भी धर्म के विषय में कहा वो धर्म के विषय में सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, बोलते भगवान तो दोषी है, कितनी मर्यादा में रहकर सब करना पड़ता है भगवान को। इसलिए कैसा कनेक्शन है भगवान और भक्त का, कि दोनों एक दूसरे पर, जो दोनों एक ही स्वरूप है, एक ही तात्पर्यमय है, वो कहा ना, किंतु प्रभु या प्रिय तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, भगवान के प्रिय होने के कारण भगवान के निकट हैं। तो साधु क्या करता है, गुरु जी क्या करते हैं, भक्ति के प्राप्त करने के उपायों को विस्तार करते हैं। शब्द पर जाना, भक्ति के प्राप्ति के उपायों का विस्तार करते हैं। वो कैसे, भगवान कहते हैं कोई तो एक ऐसा कोई कार्य कोई कर दे कि मुझको एक बहाना मिल जाए उसके लिए सब कुछ निछावर करने का, कोई तो एक बहाना मिले, और कोई बहाना नहीं तो फिर मैं किस मुंह से या फिर किस क्रिया से इसको मैं भक्ति दूं, नहीं तो मेरे को दोष लगेगा, और दोष लगेगा तो मेरी बात कोई मानेगा नहीं। तो फिर क्या करते हैं साधु, उन भक्ति के उपायों का विस्तार करते हैं। 64 भक्ति के अंग का पालन करो, कुछ भी एक करो, भगवान एक बार भी जीवन में जाने अनजाने तुलसी जी में जल दे दिया, भैया घर में पौधे लगे, पौधों में जल दे रहे थे, बीच में तुलसी जी निकल आई, उसमें जल चला गया, भगवान बोलते मिल गया मिल गया मिल गया, एक बहाना मिल गया, अब इसको भक्ति में दिलवा सकता हूँ, क्यों, कोई मेरे को उंगली नहीं उठा सकेगा, कहेगा हाँ देखो, भगवान कहेंगे मैंने कहा ना तुलसी में जल दिया ना, और तुलसी मेरी प्रिया है, अच्छा एकादशी का व्रत कर लिया, बस हो गया काम, कर दो, एक बार मुझको प्रणाम कर दिया। कौन कहता है, यमराज जी यमदूतों को, जीवा न भक्ति भगवत गुण नाम में
चेतस्तरन स्मृति चर तर चरणारविंदम कृष्ण नो नमेति यर शिर एकादपि। तीन बातें बताई। यमदूतों ने जब अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए, भैया हमको आपकी सेवा नहीं करनी, एक पापी अजामिल को लेने गए थे, कहाँ से सुंदर सुंदर चार पुरुष वहां पर आ गए, हमको खदेड़ दिया, तो बहुत कुछ वार्तालाप है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यमराज जी ने क्या कहा, किस किस को लाना है? बोलते जीवन वक्ति भगवत गुरु नाम दे, जिसकी जीवा भगवान का नाम उच्चारण ना करे पकड़ के ले आना। जिसने कभी एक बार अपने चित्त में मुझको स्मरण ना किया हो उसको पकड़ के ले आना। कृष्णन अनुमति यशिर एकादपि, भगवान के चरणों में एक बार भी मस्तक ना झुकाया हुआ जीवन में उसको पकड़ के ले आना। लेकिन जो ये सब कर रहे होंगे उनको पकड़ के मत लाना, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि जब कोई एक वैष्णवत्व को प्राप्त करता है वो यमराज जी की कस्टडी में नहीं आता, उसका दंड विधान फिर भगवान विचार करते हैं। इसलिए अधरम मधुरम वदनम मधुरम, उनका दंड भी मधुरम है। पापी व्यक्ति का यमराज जी करेंगे, लेकिन जो वैष्णवत्व को प्राप्त कर चुका है उसका दंड विधान फिर भगवान के माध्यम से होगा। लेकिन हम कहेंगे हम तो वैष्णव हो गए, मैंने पहले कह दिया वैष्णवत्व को प्राप्त करेगा तो हम वैष्णव हो गए। अब इसमें भी मुख्य और गौण है भाई, दिव्य ज्ञान यदो ददात कुरजस्य पाप से संक्षयम, हमारी तो दीक्षा हो गई। और वैष्णव किसको कहा जाता है, ग्रॉस सेंस में, स्थूल विचार से, जिसने विष्णु मंत्र में दीक्षा ले ली वह वैष्णव हो गया। लेकिन फिर प्रभुपाद जी की भाषा में सूक्ष्म विचार से, कनक कामनी प्रतिष्ठा बागनी छाड़िया छे जई सही तो वैष्णव, जितनी मात जितने इन तीन वस्तुओं को त्याग दिया, कनक धन स्त्री और प्रतिष्ठा की। स्त्री मतलब यहाँ पर बहुत सी माताएं कहती हैं हमको ये हमारे को ऐसा क्यों बोला जाता है, नहीं यहाँ पर अर्थ समझने वाली बात है ना माता, यहाँ पर भोग वृत्ति को कहा गया, भोग वृत्ति। तो जो इसको त्याग करेगा वो वैष्णव है। तो क्या वैष्णव तो प्राप्त हुआ? वैष्णव तो प्राप्त करने का साधन का भी साधन चल रहा है, उस साधन का भी साधन चल रहा है। इसलिए अभी इंद्रिय प्राकृत हैं, देखकर प्राकृत विचार आता है, देखकर अप्राकृत विचार नहीं आता, है ना? इसी को ही कहा गया सूक्ष्म दृष्टि। प्राकृत क्रिया को देखकर, प्राकृत विचार को देखकर भी अप्राकृत जगत का बोध हो जाए। जैसे हमारे पूज्यपाद महाराज जी कभी कभी वो न्यूज़पेपर पढ़ते, थोड़ा सा पढ़कर बस ऐसे नीचे फेंक देते, पढ़कर क्या करते थे देखा, ऐसे नीचे फेंक, बोलते हो गए मरो, और उसमें जो कोई मुख्य बात होगी उसको कैसे सुंदर ढंग से उसको अप्राकृत जगत से तुलना करके बतलाते थे। कोई भी एक, अभी तो बहुत सारे उदाहरण अभी स्मरण नहीं आ रहे, लेकिन कैसे प्राकृत जगत की, प्राकृत वस्तु को भी कैसे अप्राकृत जगत से तुलना करना, यह है सूक्ष्म विचार। और हम लोग कैसे बोलते अप्राकृत जगत की क्रिया को भी प्राकृत समझ लेते हैं, तो वैष्णव तो प्राप्त कैसे हुआ अभी अप्राकृत जगत की? अरे बलराम जी ने अपनी गोपियों के साथ रास किया, श्री कृष्ण की प्रियसियों के साथ भी रास किया, हाय हाय ये कैसे संभव, ये कैसे संभव हो गया? और भी बहुत सारी क्रिया प्राकृत दृष्टि। जैसे भगवान के लिए हम कुछ दिन पहले सुना ना, कौन सा ठीक काम किया बताओ,
कोई हमको कहे आप कृष्ण उपासना करते हो, आपके इष्ट कृष्ण हैं, कोई एक काम अच्छा किया उन्होंने, अर्जुन को बोला मार डालो लोगों को, अर्जुन तो सब ठीक हो गया था, धनुष बाण रख दिया, लेकिन हिंसा करवाई, अर्जुन को लेकर सबको लेकर कहा क्या मारो, सबको मारो, हिंसा कराने का काम कराया, भड़काने का काम। फिर विवाह भी कैसे किया, वो तो हरण करके ले आए रुक्मिणी जी को, ऐसा विवाह कोई किया जाता है? फिर और क्या, घर घर में चोरी करना, अच्छा ठीक है आप चलो बालकपन में आपने चोरी की, चलो कोई बात नहीं, आप तो समझ रखते हैं, आपने क्या किया गोपियों के वस्त्रों को चोरी कर लिया, अरे इतना अत्याचार। और युधिष्ठिर जी को बोल रहे झूठ बोल दो, है ना, अश्वत्थामा मारा गया, झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं, और क्या, क्षत्रिय होते हुए रण छोड़कर भाग रहे, कोई उचित है? अरे एक दो विवाह कर लो, 16,000 विवाह करोगे? फिर और क्या, अपने मामा को ही मार डाला, अपने संबंधी मामा का ही मर्डर कर दिया मार डाला, और कुल की परंपरा तोड़वा दी, गोवर्धन लीला में कुल की परंपरा तोड़वा दी। अरे भाई माता पिता सब मिलकर इन देवता की पूजा कर रहे हैं, वो तो छोड़ दो, देवता की पूजा नहीं करने की जरूरत है ना, तो भगवान की अपराकृत, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक बार हुआ यही लक्ष्मी नारायण मंदिर में भागवत थी ना, तो उसमें यही प्रसंग बता रहा था, दशरथ महाराज जी की 360 रानियाँ, वो भड़क गया, एक कोई वृद्ध व्यक्ति थे भड़क गए, बीच बीच में बोलने लग गए, मैंने कहा अरे चुप रहो बाद में बात करेंगे, कथा के बाद बाहर आया पकड़ लिया मेरे को, आप लोगों ने अधर्म बचा रखा है, इतने अच्छे दशरथ महाराज जी 360 पत्नियां बता दी उनकी, तो मैंने कहा कितनी थी, कहते हैं तीन तो थी, मैं कहा वो भी कोई अच्छी बात है तीनों ना तीन भी थी क्योंकि वो तो वो भी आप लोगों ने लिख दिया एक ही होगी, तो मैंने कहा भगवान की तो 16,000 रानियां थी, हे हे भगवान को भी नहीं छोड़ा आप लोगों ने, 16,000 रानियां बनवा दी उनकी, मैं कहा और सुनोगे भागवत जी में चित्रकेतु महाराज की 1 करोड़ रानियां थी, अरे तौबा रे तौबा, कौन सुनेगा आपकी भागवत, बेकार के सब, आप लोगों ने लिखा, समाज में आप लोग गलत गलत बात को फैलाते हो, विष को फैलाते हो, तो क्या कह रहे हैं, अपराकृत जगत की जो क्रिया, जो हमको भी अभी जो मैंने भगवान के संबंध में कहा, सब कुछ कैसा लगता है, विपरीत लगता है ना, चोरी करना, झूठ बोलना, रन छोड़ के भाग जाना, लगता है कि नहीं, क्योंकि यही बात श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी कह रहे हैं, इस जगत की भाषा में मल है, लेकिन यही बात अपराकृत जगत में परम वंदनीय है, लेकिन इसको हजम कौन करेगा, इसलिए सूक्ष्म विचार, सूक्ष्म दृष्टि से यदि एक एक इस प्रसंग को लिया जाए, वहां पर भगवान की कृपा और करुणा को छोड़कर और कुछ नहीं दिखता, मंगल विधान ही है, और जीवों के लिए ही लीलाओं का विस्तार करते हैं, स्वयं आनंदित होकर जगत को आनंद देना चाहते हैं, भगवान को आनंद स्वरूप है ना, आनंद अभ्यास आप कहा ना, सच्चिदानंदमय है ना, क्यों भगवान अपने परिकर को सुख देना चाहते हैं और स्वयं सुखी होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं, तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, भगवान आनंदित होंगे सारा जगत आनंदित होगा, एक एक क्रिया में एक एक बात में बड़ा सूक्ष्म विचार,
तो जितनी मात्रा में वैष्णवत्व प्राप्त होगा वो कैसे प्राप्त होगा? वो तो साधन से, उस दिन सुना साधन से तो होगा नहीं, साधन अपेक्षा नहीं कृपा अपेक्षा है, लेकिन वो कृपा भी कैसे मिलेगी? वो तो साधन से मिलेगी, इसलिए साधन करना पड़ता है। समझ आ रही बात? होगा तो कृपा से, और वो भी किसकी? बोलते भगवान के एक शुद्ध भक्त के, जिसके हृदय में निर्मल प्रगाढ़ प्रेम है। लेकिन उनके हृदय से कैसे निकलेगा? बोलते अपने साधन करने से। वो साधन क्या? बोलते नवविधा भक्ति का पालन करने से। तो घर बार छोड़ के मठ में आ जाए, वहीं पर पालन अच्छे से हो जाएगा। घर में तो होता नहीं, सो बात तो कही नहीं, वो बात तो कही नहीं। मठ में रहकर भी कोई मठवासी हो जाता है। अब इसमें भी एक स्थूल विचार, एक सूक्ष्म विचार। शरीर से मठ में रहना भी बड़ा मंगल वाला है भैया, जाने अनजाने कुछ ना कुछ सेवा तो होती रहेगी। जल पिएंगे तो चरणामृत है, खाने को महाप्रसाद है, विग्रह दर्शन, वैष्णव दर्शन, तिलक दर्शन, सब कुछ तो चारों ओर। तो ये एक विचार, ये ठीक है। लेकिन फिर इसके आगे भी एक सूक्ष्म विचार है जो प्रभुपाद जी ने कहा, ये मठ में रहता ही नहीं। मठ में रहता नहीं मतलब शरीर से मठ में है, मन तो इसका बाहर है। और ये व्यक्ति बाहर है, उसका ध्यान मठ में है। जैसे गुरु जी एक उदाहरण देते थे, मैंने 2 वर्ष पहले गुरु जी की एक कथा सुनी थी। तो गुरु जी एक उदाहरण दे रहे थे, एक स्थान पर एक वैश्या रहती थी, ठीक उसके आगे सामने एक साधु रहते थे। अब साधु सारा दिन वैष्णव की निंदा करते, हाय हाय कितनी बेकार है, काम ही कितना घृणित है, जिससे मिलते जिससे बात करते सारा दिन उसकी आलोचना उसकी निंदा। और दूसरी ओर वैष्णव के जो वैश्या थी वो क्या करती? बोलती हाय मेरा जीवन तो व्यर्थ है, मैं किस काम धंधे में लग गई, अब तो जीवन व्यर्थ हो गया। ये साधु देखो कितने अच्छे हैं, भजन करते, सुबह सुबह उठ जाते, तिलक धारण करते। तो मन मन में इसको ग्लानी है और सारा दिन साधु की स्तुति करती। और साधु क्या करते सारा दिन? इसकी निंदा करते। तो जिसका जिसके भाव में अभिनिवेश है वो उस अभिनिवेश को प्राप्त हो जाता है। तो गुरु जी ने कहा मृत्यु का समय आया, साधु सारा दिन उसका चिंतन करता है, और यहां पर वैश्या उस सारा दिन साधु का चिंतन करती है, इसकी सुकृति बनती चली गई। और इसके फलस्वरूप, अज्ञात सुकृति के फलस्वरूप, इसको फिर एक नया शरीर प्राप्त हुआ, जहां पर फिर ये साधु ही बनी, क्योंकि दिन रात साधु का चिंतन। इसलिए मठ में रहकर या गृह में, घर में रहकर भी चिंतन किसका? वह प्रधान है, वह प्रधान है। तो इसलिए ज्ञान मार्ग में ये संभव नहीं, भक्ति मार्ग में ही ये सुलभ है, कर्म मार्ग में भी सुलभ नहीं। कर्म ज्ञान भक्ति यही तो बताया गीता जी ने, पहले कर्म मार्ग के संबंध में बताया, फिर बीच में रखा भक्ति, भक्ति योग, और फिर ज्ञान योग। अर्थात भक्ति से ही कर्म पुष्ट होते हैं, भक्ति से ही ज्ञान होगा। कबूल अंग नहीं क्या? जोर से नहीं, नहीं ये वाला नहीं। हाँ, ज्ञान वैराग्य कबू नहीं भक्ति अंग, भक्ति से ही इनको पुष्टि। कर्म मार्ग में भी, कर्म कांड में भी, जब तक भगवान का नाम उच्चारण नहीं होगा वो कर्म कांड भी पूरा नहीं होगा। शुरू में ही ब्राह्मण बोल देता है ओम अपवित्रम पवित्र वा पुंडरीकाक्ष, भगवान का नाम लेता है ना, या स्मरित पुंडरीकाक्ष, भगवान का नाम उच्चारण करके उसका कर्म कांड भी पूरा होता है। और ज्ञान मार्ग में भी ऐसा,
तो ये क्या समझ आया? किसी ने प्रश्न किया, सरल सीधी भाषा में समझाइए, ये इतना शास्त्र तत्व सिद्धांत हमारे तो समझ में आता नहीं। तो इसी संबंध में ये भी आज से लगभग समझ लो 2002 में एक पत्रिका पढ़ी थी, प्रभुपाद जी ने एक लेख लिखा, तो वो आज के बाद मिली नहीं मेरे को आज तक। बड़ा सुंदर एक उदाहरण से प्रभुपाद जी ने कर्म ज्ञान और भक्ति मार्ग को समझाया, ठीक है। अनर्थ कैसे दूर होंगे? कर्म मार्ग से होगा? नहीं। ज्ञान से होगा? नहीं। भक्ति मार्ग से होगा। पाप क्षय भी कैसे होंगे? बोलते भक्ति मार्ग से ही होंगे। पाप करने की वासना भी कैसे जाएगी? केचित केवल्य भक्त्या वासुदेव परायणम अगम धुवंतिकार से निहार एव भास्कर। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने अजामिल जी के प्रसंग के पूर्व में ही ये बात कह दी, एकमात्र केवला भक्ति शुद्ध भक्ति से ही पाप करने की वासना जाएगी, अनर्थ जाएंगे, सब कुछ होगा, भक्ति से ही, ज्ञान और कर्म मार्ग में नहीं होगा। तो कैसे समझेंगे इसको? बड़ा सुंदर एक उदाहरण बताया प्रभुपाद जी ने, एक साधारण उदाहरण, जैसे प्रभुपाद जी का ना उपाख्यान उपदेश, साधारण उदाहरणों से बहुत बड़े तत्व को समझा देना। जैसे एक वो बंदर की कथा सुना ना, राजा के महल के बाहर एक बंदर, बहुत सारे बंदर रहते, उसमें एक वृद्ध बंदर, बड़ा सियाना समझदार बंदर। एक बार माधव पेपू ने रूप सनातन मठ में उपाख्यान उपदेश का पाठ किया था, अरे सब लोग बड़े प्रसन्न, क्योंकि उदाहरण बड़े साधारण साधारण, लेकिन तत्व जो स्थापित करना चाहते हैं प्रभुपाद जी वो बड़ा ऊंचा है, बड़ा शास्त्र है उसमें पूरा, क्योंकि प्रभुपाद जी की भाषा तो साधारण हो नहीं सकती ना। तो वो याद है उस समय बड़ा विस्तार से प्रभु जी समझाते थे। तो बंदर बड़ा सियाना पेड़ की शाखा पर बैठकर रोज एक दृश्य को देखता, क्या देखता? जो भेड़ होती ना भेड़, ये रोज रसोई में जाती, जहाँ पर राजा उनके कर्मचारियों के लिए रसोई होती, और उस समय लकड़ी से रसोई होती थी, गैस वैस तो नहीं। तो भेड़ वहाँ जाती और झूठा कर देती, कुछ खाने मुंह मारने के लिए जाती, और जो रसोईया अंदर कर्मचारी देखकर रोज उसको भगाते, ए भाग जा डंडा लेके मारते, ये भाग जाते। बंदर ने दृश्य देख लिया, बोलते भाई ये तो हमारे कुल के लिए बहुत बड़ी समस्या है। क्यों समस्या? बोलते एक दिन ऐसा होगा, ये भेड़े तो रोज जाएंगी भाई, जहाँ खाने को मिलेगा वहाँ जाएंगे, और रसोईया डंडे से भगाता है, किसी दिन इसने जलता हुआ डंडा मार दिया, लकड़ी मार दी, तो इसको तो आग लग जाएगी, इसके तो कॉटन ही कॉटन है, रुई है इसके ऊपर तो, और जो आग लगेगी तो इसको गर्मी लगेगी, और गर्मी लगेगी तो दौड़ी दौड़ी जाएगी बचाने के लिए, और जब रास्ता जो मार्ग है वो क्या है? बोलते घुड़साल, जहाँ पर राजा के घोड़े बंधे हुए हैं, और घोड़ों को लग जाएगी आग, और जब घोड़ों की लगेगी आग तो फिर उस घोड़ों की चमड़ी जो जल जाएगी उसको बचाने के लिए एक ही उपाय है, वो है बंदरों का मांस। इसलिए एक दिन ये होगा और राजा हम सबको पकड़कर मारेगा, हम सब मर जाएंगे, क्योंकि उसको तो अपने घोड़े बचाने, उनको बंदरों से क्या मतलब। सियाना बंदर, उसने एक बार बुलाया मीटिंग की सारे बंदरों को, बोलते भैया उछल कूद करते हो, ये तो हमारा स्वभाव है, मैंने पूरी लाइफ देख ली, पूरा जीवन देख लिया, आज अनुभव की बात बोलता हूँ, यहाँ रहना हमारे लिए उचित नहीं, चलो यहाँ से। तो क्यों? बढ़िया बढ़िया फल मिलते हैं, सब्जी मिलती है, जहाँ मर्जी हाथ मारो, राजा के यहाँ पर तो इतना मौज मस्ती है। बोलते नहीं, मन में चलते हैं, भैया रूखा सूखा खाएंगे बच तो जाएंगे। बोलते ऐसी कौन सी आफत आ रही है? बोलते बहुत बड़ी आफत है। और उस वृद्ध वानर ने सारी बात कह दी, देखो ये भेड़ जाएगी रसोई में एक दिन, जलती हुई लकड़ी मारी जाएगी, इसको लग जाएगी आग, ये जाएगी घुड़साल में, वहाँ पर
वो जल जाएगा, घोड़ों की चमड़ी जलेगी, तुम लोगों को पकड़ पकड़ के मारेंगे लोग। बोलते हैं सटिया आ गया बूढ़ा, ऐसे बोलते हैं ना, सटिया आ गया, ऐसे ही बैठे बैठे सोचता रहता है, चिंता में पड़ा रहता है। तो आयु का स्वभाव है ना, वृद्धस्ताव चिंतामग्न, वृद्ध काल में चिंताओं का भार हो जाता है। देख लो 50 से ऊपर हो जाओ, 40 से ऊपर, जो 40 से ऊपर वाले उनको पता है, रहती है ना चिंता भाई। और जो अभी 30 वाले हैं, मौज मस्ती करो, कोई चिंता नहीं, लॉकडाउन हो रहा है, मंडी खुली है कि नहीं खुली कोई पता नहीं, चिंता होती है होती है नहीं होती ना, ये तो बोल रहा हूँ। आयु का फेर है बाबा, हो जाए 40-45 फिर पूछूंगा, जब सिर पे जिम्मेदारी होगी फिर पूछूंगा। तो वृद्धस्ताव चिंतामग्न, वो वृद्ध वानर ने जो कहा, किसने बोला है, सटिया गया बेकार, तुम जाओ वन में, हम तो यह मौज मस्ती से रहेंगे। बोले ठीक है भाई मैं तो जाऊंगा। वह वृद्ध वानर चला गया वन में। और कुछ दिन के बाद, ये तो मौज मस्ती में रहे सब, खाना पीना सोना बस, कुछ दिन के बाद वही बात हुई, क्योंकि भेड़ तो खाने जाएगी जाएगी रसोई में, और वही हुआ, रसोई ने जलती हुई लकड़ी मारी इसकी पीठ पर, दो चार को लग गई, तुरंत आग लग गई, और इसको आग, इनको आग लगी, भागी, और इनको देखे सब भागे, और जाते 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 जहाँ घोड़े बंधे थे वहाँ पर आग लग गई, घोड़ों की चमड़ी जल गई। राजा को पता लगा, मंत्रियों ने कहा महाराज घोड़े जल गए। बोलते तो मेरे बड़े प्रिय घोड़े, इनकी मैं सवारी करता हूँ, इन पर सवार होता हूँ। बोलते कोई उपाय है, वैद्य को बुलाओ, जो घोड़े को ठीक करना जानता है। तो वैद्य को बुलाया गया, बोलते बताओ भैया घोड़े कैसे ठीक होंगे। बोलते बंदरों को मारना पड़ेगा, उनकी चमड़ी से इनकी चमड़ी ठीक होगी, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। तो बोलते इतने बंदर है पकड़ो, पकड़ा सिपाहियों ने बंदरों को, और पकड़ पकड़ के मारा, मृत्यु को प्राप्त हो गए। और जो एक दो बचे भागे जंगल में जाकर, उसको वानर को कहा, आपने जो कहा था ठीक ही कहा था, आपने जो कहा था ठीक, क्यों, आपकी सूक्ष्म दृष्टि थी, और ये जो सब बंदर मौज मस्ती स्थूल दृष्टि वाले, मौज मस्ती स्थूल दृष्टि से होगी, लेकिन जहां पर सूक्ष्म दृष्टि होगी वहीं पर कोई व्यक्ति बच सकता है। इसलिए शास्त्र वाक्य, गुरु वाक्य, साधु वाक्य, भगवान की क्रिया कलाप, जन्म कर्म चावे दिव्यम, भगवान ने पहले सावधान कर दिया, इंफॉर्मेशन नहीं दी, सावधान कर दिया कि भैया समझ लेना, जन्म कर्म चामे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरी क्रिया मतलब लीला सब दिव्य है, साधारण नहीं है, और इसको सूक्ष्म दृष्टि से ही समझा जा सकता है, आस्वादन नहीं किया जा सकता, सूक्ष्म दृष्टि से समझा जाएगा। आस्वादन के लिए तो फिर दूसरी दृष्टि चाहिए, कौन सी वाली, प्रेमांजन चुरितम भक्त विलोचनेना, संता सदैव हिदेश विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम, गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। उसके लिए तो फिर प्रेम वाले चक्षु चाहिए, और वो प्रेमी भक्ति दे सकता है। तो ऐसे बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण है उसमें, लेकिन एक बात को स्थापित करने के लिए जन साधारण समझ जाए तत्व को, और उनको सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हो, तो ऐसे एक बड़ा सुंदर उदाहरण बताया श्री प्रभुपाद जी ने। क्या बताया, कर्म ज्ञान और भक्ति, ये उपाख्यान उपदेश में नहीं मिलेगा। तो एक लेख में आया था, अब ये भी स्मरण नहीं प्रभुपाद जी के द्वारा या उनके किसी अनुगत जन के द्वारा था, लेकिन बात बहुत अच्छी थी। एक बार एक ऑफिस में, एक दफ्तर में बहुत सारे लोग काम करते, उनमें से एक जो था
वे जानबूझकर मालिक की बड़ी प्रशंसा करता। अरे मालिक, जब भी वो आते सुबह अपने दफ्तर में या संध्या में जाते, इसने नियम बना रखा था रोज उनकी झूठी मूठी क्या प्रशंसा कर देना। अरे साहब, सारे लेट आते हैं, आपको इतनी चिंता हमारी, आप बिल्कुल सही समय पर आते हो, आप ही हमारे अन्नदाता हो, बड़ा कुछ बोलता, आप कितने नरम स्वभाव के हो, जबकि आलसी सब कुछ। और संध्या के समय जब मालिक जाते तो क्या करते, इसको जाते जाते जेब से 500 रुपया पकड़ा देते। प्रशंसा सुनने में तो अच्छा लगता, 500 रुपया पकड़ा देते, ये बड़ा प्रसन्न हो जाता। इसने सोचा चलो मेरा तो भला होता है, दूसरे का भी भला करो। इसने एक दिन अपने साथ वाले डेस्क पर जो बैठा होता है उसको भी बोला, भैया सबको जाने दे, एक बात कहूँगा। सब चले गए। बोलते क्या बात? बोलता है जो हमको सैलरी मिलती है उससे कुछ बनता है? बोलते कहाँ बनता है भाई, बड़ी मुश्किल से जीवन निर्वाह होता है परिवार का, बच्चों का इतना डिमांड है, बच्चे ये मांगते, कंप्यूटर मांगते, कैसे चलेगा? बोलते तुम मेरी तरह करो जैसे मैं करता हूँ। बोलते वो क्या? बोलते जब मालिक आए ना, झूठ मूठ की प्रशंसा कर दो, कुछ एक दो पॉइंट रोज नए नए सोच के रखो, बोल दो जाते जाते मेरे को रोज 500 रुपया, कभी 1000 रुपया, कभी 2000 का नोट पकड़ा देते हैं, तुम भी ऐसा कर। बोलते बहुत बढ़िया से चल रहा है भैया, अब तेरे कोई बताया, किसी और को नहीं बताना? बोलते नहीं नहीं मैं मालिक के साथ ऐसा नहीं कर सकता। हमारे मालिक कौन? बोलते जय श्री श्री राधा माधव जी की, यही मालिक हमारे। सही समय पे खुला। तो बोलते हमारा जो मालिक ना, देखो अभी आज ये उदाहरण दिया ना बंदर वाला, सब बड़े ध्यान से ऐसे देख रहे हैं, किसी को नींद नहीं आती। अभी तत्व सिद्धांत आ जाए तो कोई बात। इसलिए प्रभुपाद जी ने सोए हो को जगाने के लिए ये सब साधारण बातों को कहा, ठीक है, साधारण उदाहरण से तत्व को समझाया। तो ये दूसरा वाला जो एम्प्लॉई कर्मचारी, बोलता मैं मालिक के साथ ऐसा नहीं कर सकता। नहीं नहीं बोलते तो फिर ठीक है, जितना मिलता है गुजारा करो, हाँ होगा नहीं उससे। बोलता बेटा तुम क्या समझता है, तुम ज़्यादा होशियार है, मैं तुमसे दो कदम आगे होशियार हूँ, हमको भी पता है ये मासिक जो मिलती है सैलरी, इससे हमारा कुछ नहीं बनता, लेकिन मैं तो लंबी छलांग लगाना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं, छोटा छोटा। बोलते वो क्या? बोलते तुमको बोल रहा हूँ, किसी और को बोलना नहीं, बाद में जो होगा हम तुम्हारी भी ध्यान रखेंगे। बोलते तुम क्या सोच रहा बता दो। बोलते मैं तो एक ना लीगल पेपर बनवा रहा हूँ वकील से, सारी की सारी कंपनी अपने नाम करवा रहा हूँ, और वो फाइलों के बीच में फाइल रख दूंगा, मालिक कौन सा देखते हैं साइन कर देते हैं, और पेपर साइन हो जाएंगे, मैं बाद में क्लेम कर दूंगा, देखो मैं ही बॉस हूँ, मैं ही मालिक हो जाऊंगा, और जब मैं मालिक हो जाऊंगा बस फिर तो सब कुछ आनंद ही आनंद है। बोलते तुम तो बड़ा होशियार निकला, तुम तो मेरे से भी बड़ा उस्ताद निकला। बोलते हमको ये 500-2000 रुपये रोज से कुछ नहीं होगा, हम तो खरबोपति बनेंगे, मालिक ही बन जाएंगे। बोलते देख एक ये बेचारा एक और गरीब है, इसका भी भला करते हैं, इसको अपने दल में ले लेते हैं। तो उसको बोल दिया, अरे भैया आज जरा रुक जाना, सब जाने दो, कुछ बात करेंगे। रुक गया बेचारा, बड़ा सीधा साधा सरल, पूरे काम में अपना ध्यान देता, निष्ठा से करता, कभी कोई कंप्लेंट नहीं आती। तो दोनों ने यही कहा, देख हम एक प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ तो तू मेरी तरह बन जा, रोज मालिक की झूठी प्रशंसा कर, 1000-2000 रोज मिल जाएंगे,
और दूसरा कहने लगा यू तो अगर मेरे अनुग्रह से चलेगा तो एक दिन तो मैं ही मालिक बनने वाला हूँ, तो मेरे दल में आ जाओ। यही दो उपाय हैं, तीसरा तो है नहीं। इसने हाथ जोड़ लिए, अरे भैया क्षमा करो, मालिक हमारे अन्नदाता, इतनी बड़ी कंपनी चलाते, इतना बड़ा भार उनके सिर पर, कितने परिवारों को चलाते हैं, हमें उनकी धन्यवाद करना चाहिए, ना कि उनको हमको क्या करना चाहिए, कपट से कुछ उनका हरण करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमको अपने यहाँ पर काम पर रखा। और देखो हमारी चिंता करते हैं, बोनस भी देते हैं ना कभी कभी, जितना एक्स्ट्रा हो जाता है वो भी बांट देते हैं ना। मैं तो इतना धोखा नहीं कर सकता, जितने दिया उतने में ही परिवार का पालन पोषण करूंगा, अधिक आने से परिवार भी बिगड़ जाएगा। अरे बेकार का आदमी, बोलते मैं बस अपने मालिक का नौकर बन के रहना चाहता हूँ, उनका दास बन के रहना चाहता हूँ, हमको ये सब नहीं बनना, बहुत झमेला है, रिस्क है। आज मालिक इनकी बातों को सुन लिया, बाहर ही खड़ा था और उसने इन तीनों की बातों को सुन लिया और एकदम अंदर आया, तीनों घबरा गए। मालिक कहने लगा अरे आज इतनी देर तक ओवर टाइम कर रहे हो क्या? बोलते नहीं सर, वो थोड़ा सा काम बाकी था, बस करके अभी चले जाएंगे। तो आप आज कैसे आ गए? अरे मैं अपनी घर की चाबी भूल गया, वो लेने आया। अच्छा अच्छा, हम आपकी मदद करते हैं। तो वो जो मक्खन लगाने वाला साहब, आप इतना काम करते हो ना, आप इतना काम करते हो, देखो घर की चाबी तक भूल जाते हो, कितना परिश्रम करते हो आप। बोलते हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये लो 100 का नोट पकड़ा दिया, वहाँ के दिखा रहा है, दिखा दिखा। तो जब ये हुआ, मालिक जाते जाते तीसरे वाले एम्प्लॉय को बोल दिया, थोड़ा सा समय होगा, कुछ काम है, मेरे घर आ जाना। बोलते साहब आपने आदेश किया, मैं तो आपके आदेश का पालन करूँगा, अवश्य अभी आ जाऊँगा। नहीं अभी नहीं, 2 घंटे बाद आना। जब घर पहुँचा तो साहब ने कहा बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, बैठ गया। आज मैंने ऑफिस में तुम तीनों की बातों को सुन लिया, एकदम खड़ा हो गया, बस अब तो हमको निकाल देंगे साहब। मैंने तीनों की बातों को सुन लिया, और वो तो पहले वाला बड़ा चतुर निकला, रोज मेरी झूठी प्रशंसा करके मुझसे पैसे ऐंठता है, और मैं भी उसको पैसा दे देता हूँ। और दूसरा वो तो महा उस्ताद निकला वो तो मालिक ही बनना चाहता है, लेकिन मैंने तुम तीनों की बात को सुना, उन दोनों ने तुमको प्रलोभन दिया, तुमने स्वीकार नहीं किया, तुम्हारी बात, तुम्हारे वाक्य मेरे हृदय में घर कर गए और मेरे हृदय को पिघाल दिए। मैं भी विचार कर रहा हूं कि मैं अब बहुत काम कर लिया, वृद्ध हो गया, किसी को सारा भार दे दूं, इसलिए कल से तुम ही मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में मेरी कुर्सी पे बैठोगे, तुम ही बैठोगे। ये तो रोने लग गया, हाथ कांप गए। साहब क्षमा करना, उन लोगों ने कुछ कहा था, मैंने कुछ नहीं कहा था। अरे अरे चिंता मत करो, मैंने सुन लिया तुम्हारी भावना को, तो मैंने वहीं पर ही देख लिया था, कितना ईमानदार हो। मेरी सेवा और कंपनी की सेवा को ही सब कुछ मानते हो और मेरा दास बन के रहना चाहते हो, तो इसलिए मैं ये भार तुमको सौंपता हूँ। नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं योग्य नहीं हूँ। बोलते योग्य अपने आप हो जाओगे, सब तुम्हारी मदद करेंगे, सहायता करेंगे, चिंता मत करो, ये मेरा आदेश है और मेरे आदेश का उल्लंघन तुम नहीं कर सकते। बात खत्म हो गई, ये सारी रात चिंता में पड़ गया, और अगले दिन जैसा आदेश था साहब की कुर्सी पे जाकर बैठ गया। सब कहने लगे अरे भाई साहब की कुर्सी पे, तो उसने बोला साहब ने आदेश किया, मैं क्या करूं। और वहां से सबको मैसेज आ गया कंप्यूटर पर,
कि आज से यही मालिक रहेगा और मैं ऊपर ऊपर से देखूंगा। एक साधारण सा उदाहरण, मगर इसमें एक बात को स्थापित किया। वो जो रोज आकर मस्का लगाता है, मक्खन लगाता है और घी भी लगाता है और कहता है आप ही सर्वशक्तिमान, आप सर्वनियंता, प्रभु आप ना हो तो जगत का क्या हो, तमैव माता च पिता तमैव, तुम ही हो बंधु व सखा तमैव, आप ही माता आप ही पिता आप ही सखा, मक्खन लगाता है और भगवान तो बहुत विद्वान पूरे ज्ञान, ये मक्खन जिस भावना से लगाते हैं इसकी इच्छा पूरी कर देते हैं, जाओ ये लो 500 रुपया। यह है कर्मी, चढ़ाएगा 5 रुपया और 5000 का फायदा उठा के ले जाएगा। भगवान कहते हैं जो मेरे पास जिस भावना से आएगा, अकाम हो सर्व काम हो व मोक्ष काम उदारी, मैं तो उस कामना पूरी कर दूंगा, लो ले जाओ। तो भगवान को पागल बनाने की कोशिश की जा रही है क्या? जाकर हाथ जोड़कर बोल दिया वो नहीं समझेंगे क्यों बोला, दे देते लो 500 रुपया, लो 2000 रुपया, लो रोज आकर मंदिर में। अरे मंदिर में भगवान का दर्शन करने आता है ना अपना काम निकलवाने आता है? जितने मंदिर में जाकर जो जो जाते हैं साके पूछ लो एक बार, 99% लोग मंदिर में किस लिए जाते हैं? भगवान का रूप दर्शन करने, भगवान की कथा सुनने, सब अपना काम पूरा करवाने के लिए जाते हैं। वो रोज के 500 मक्खन लगाकर 1000-2000 रुपया रोज का निकलवाना चाहते हैं, क्योंकि सेठ है ना, इसलिए। और गौड़िया मठ में क्या होता है, यहां पर आकर सब लोग सच में भगवान का दर्शन करने आते हैं। अरे वाह क्या सुंदर राधा माधव जी। और उससे भी ऊपर बैठकर भगवान के गुणों को, उनकी लीलाओं को, उनके तत्व को समझने के लिए आते हैं। यही अंतर है एक मंदिर में और गौड़िया मठ में, जहां पर भगवान की शिक्षा दी जाती है, उनको समझने का प्रयास चेष्टा की जाती है और क्या उनको प्रिय है क्या अप्रिय है, ये वो स्थान है। तो ये कर्मी बोलता है तुम्हें वो माता पिता चो तुम्हें वो, आप ही मेरी माता हो आप ही मेरे पिता हो, और घर आकर बोलता है नहीं नहीं तुम भी मेरी माँ हो तुम भी मेरे पिता हो। तुम्हारे पर झूठ बोला ना, मक्खन लगा रहा है। भगवान भी कहेंगे भैया घर जाके बोलता है माता पिता है और मंदिर में आके बोलता है आप ही हो, है ना। और दूसरा बोलते हैं ये तो है ज्ञानी, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही एक दिन ब्रह्म हो जाऊंगा, मैं ही एक दिन मालिक बन जाऊंगा, मैं ही ब्रह्म हो जाऊंगा एक दिन, यह है ज्ञानी। और तीसरा जिसको प्रलोभन भी दिया जा रहा है ज्ञान मार्ग का, जिसको प्रलोभन भी दिया जा रहा है कर्म योग का, वो पालन करना नहीं चाहता। वो क्या चाहता है, गोपी भरतु पद कमले हो दास दास अनुदास, मैं भगवान का दासों का दास बनना चाहता हूं। जब वो भगवानों का दास, भगवान के दासों का दास बनना चाहता है तो भगवान सारी संपत्ति उसको दे देते हैं, अपने हृदय की सारी संपत्ति उसको दे देते हैं। वो स्वीकार नहीं करना चाहता, नहीं प्रभु मैं आपका दास ही बन के रहूंगा, अरे हमारा आदेश है, मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी हो गई। वो दास अनुदास बनकर भगवान को ही अपना दाता मानकर, अपना इष्ट मानकर कि एकला ईश्व कृष्ण आर्स भृत्य, मैं उनका भृत्य उनका दास हूं, और दास होने पर रिद्धि सिद्धि अनिमा इत्यादि ये जितनी भी सिद्धियां सब उसके चरणों में लोटपोट खाती है, सब चरणों में लोटपोट खाती है।
और मुक्ति स्वयं मुक्तांजलि। जिस मुक्ति को ज्ञानी प्राप्त करना चाहता है वो मुक्ति अंजलि धारण करके बांध कर उसके पीछे पीछे धावित होती है। क्यों? उसके अंदर एक है दास अभिमान, वो दासता को छोड़कर और कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता। और भगवान अपने हृदय की संपत्ति, भगवान के हृदय की संपत्ति क्या बोलते हैं, वे प्रेम धन, वो उसका अधिकारी बन जाता है किसी एक ही बात पर, कि किसी और प्रलोभन में ना आकर संसार जो कहे कहता रहे, कर्म योग जो कहे कहता रहे, ज्ञान योग जो कहे कहता रहे, हमको ब्रह्म नहीं बनना। भगवान कहते हैं मैं देना चाहता हूं, ले लो भाई, अरे मेरा प्रसाद है, अपने हाथों से बांट रहा हूं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं बांट रहा। भगवान आप कौन सा प्रसाद बांट रहे हो? बोलते हैं सालोक्य शास्त्री समीपे स्वरूपे, ले लो चार मुक्तियां अपने हाथ से बांट रहा हूं। अच्छा सायुज्य ले लो, पांचवा प्रसाद भी दे दिया लो। ये तो किसी और ने कहा नहीं, स्वयं भगवान ने कहा ना, मैं अपने हाथ से बांट रहा हूं, ले लो। दियमान न गृहन्ति बिना मत सेवनम जन, भगवान कहते हैं मेरा दास देने पर भी मुझको निषेध कर देता है, रखो अपने पास, हमको नहीं चाहिए। तो किस वस्तु का अभाव होता है दास के पास? हनुमान जी के पास किस वस्तु का अभाव है? हनुमान चालीसा में बोलते हैं, मेरे को तो याद नहीं, रिद्धि सिद्धि के दाता, रिद्धियां दे सकते हैं, सिद्धियां दे सकते हैं, भक्ति दे सकते हैं, सारी संपत्ति तो मालिक बन गए, लेकिन मालिक बनकर भी दास अभिमान ही धारण करना चाहते हैं। दीयमान न गृहन्ति, भगवान अपना प्रसाद अपने पास ही रखो, जो चाहता है उसको दे दो। तो तुम क्या चाहता है? बोलते मैं भी तो बिना सैलरी के काम नहीं करूंगा। वो जो तीसरा एम्प्लॉय था फ्री में काम कर रहा था, सैलरी में ही प्रसन्न था, जो मंथली मिल रहा था उसी में प्रसन्न था, फ्री में तो नहीं कर रहा था। तो भक्त भी यही बोलता है, फ्री में तो मैं भी सेवा नहीं करूंगा, मैं भी कुछ मांगूंगा। भैया तुम क्या चाहते हो बोल दो पहले से ही, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे। बोलते हाँ तो साइन कर लो। क्या दास कोरी वेतन मोर देह प्रेम धन, कहां से शुरू? प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। दास कोरी वेतन मोर देह प्रेम धन, अपना दास बनाकर, दास तो मैं हूं, बनाकर मुझको वेतन देना हर महीना, हर रोज, हर क्षण मुझको वेतन चाहिए। वो कौन सा? वो थे प्रेम धन। यही तो भगवान का हृदय की संपत्ति, जिसको वो लूट लेता है प्रेम धन को। बाकी सबको देखकर तो भगवान मुंह मोड़ लेते हैं, भुक्ति मुक्ति दिया जान पलाइया, जा अरे जा, लेकिन अपनी भक्ति को छिपा कर रखते हैं। बोलते हैं ना उसने पढ़ा ना श्लोक, राजन पति गुरुअलम देव प्रिय नाम कुलपति क्वाच किंकरोवा अष्टम एवं अनंगम भगवान भजते मुकुंदम मुक्ति ददातित कहर्चित समान भक्ति योग। मुक्ति दे देंगे, भक्ति योग नहीं देंगे, वो तो दास का ही अधिकार है। जो तो दास अभिमान रखे सारे भगवान की संपत्ति का मालिक बन जाता है। अब विचार कर लो, ये कर्मी के दिमाग में बात नहीं आती, वो उसी में प्रसन्न है। 1,00,000 रुपए कमाया, 10,000 रुपये दान दे दो, बस हो गया। ज्ञानी वो अपने ही भाव में पड़ा है। तो पहले पूछ तो लो भगवान से कि आप प्रसन्न हो, आपको चाहिए क्या, पूछ तो लो। अरे आपने घर में बुलाया, हलवा खाएंगे, खीर खाएंगे, मीठी सेवइयां खाएंगे,
अरे कौन फ्रूट क्रीम खाएंगे, क्या प्रिय है पता तो लग जाए, पता लगा है तो मीठा खाते ही नहीं। दस तेरी तो हमने 10 चीज़ें मंगवा के रखी, मीठा इनको पसंद ही नहीं, हो गया व्यर्थ, सारा साधन बेकार हो गया बनाने का लाने का। यही ये साधन बेकार करने वाली बात है, तो पहले पूछ तो लो। तो भगवान ने कह ही दिया मुझको क्या प्रिय है, ना साध्यति मम योगो ना संख्य धर्म उद्धवा ना योगस तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्चिता। हे उद्धव, ना सांख्य के द्वारा ना योग के द्वारा ना किसी और उपाय के द्वारा, यथा भक्ति अधोक्ष यथा जैसे ममोर्जिता, जैसे भक्ति के द्वारा मैं प्रसन्न होता हूँ। इसलिए हलवा मीठा कुछ मत बनाना, थोड़ा कुछ और बना देना, बड़े प्रिय से खाऊंगा तब तो आनंद है ना। तो भगवान से पूछा नहीं, अपने मनमानी ढंग से चल रहे हैं तो उससे नहीं चलेगा। इसलिए अरे भाई ये प्रसंग समाप्त करना था। इसलिए वैष्णव और वैष्णव पक्षीय लोगों का संग तथा उनकी मर्यादा का निरूपण किया गया है, अतः वैष्णव को वैष्णव मानकर उनको वैष्णोचित मर्यादा प्रदान करना, उनका संग करने से भक्तिशील होती है। जो अवैष्णव है कर्मी ज्ञानी इत्यादि, जो अवैष्णव है उनको मर्यादा देने से भक्तिशील हो जाएगी, देनी भी नहीं है। इसलिए वैष्णव चिन्हधारी तथा वैष्णव अभिमान कार्यों में निम्नलिखित व्यक्तियों का संग अवश्य ही परित्याग करना चाहिए। गौण विधि से, मुख्य विधि नहीं, गौण विधि से मनुष्य मात्र को सम्मान देने का जो उल्लेख है उसके अनुसार सबको यथा साध्य संतुष्ट रखने की चेष्टा करनी चाहिए। ये तो एक गौण विधि है भाई, मनुष्य मात्र में भगवान वास करते हैं परमात्मा के रूप में, अंजी दंडवजी और हरे कृष्ण। लेकिन जहां पर मुख्य विधि आएगी वहां पर तो विचार करना पड़ेगा कि किसको मर्यादा देनी है, किसकी सेवा करनी है। गौण विधि से सभी को हरे कृष्ण, ठीक है, हमारा भी हरे कृष्ण, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।